दिल दिया गल्ला। चल नामू, अब जल्दी दिखा भूमि पूजन का लाइव फीड। मॉम, आसपास डैड तो नहीं है ना? ऑब्वियसली नहीं है अमू, नहीं तो क्या तेरे डैड के सामने मैं इतनी बड़ी स्क्रीन पर तुझे फोन लगाकर देखती क्या? तेरे डैड को ग्रोसरी शॉपिंग के लिए भेज दिया है मैंने, बहुत टाइम लगेगा आने में। ओके मॉम। मॉम, अब आप यहाँ इस कैमरे से पूरे भूमि पूजन को लाइव देख सकती हैं। एंजॉय द शो। कल बसंत पंचमी है ना, तो पंजाब में तो सब येलो पहनेंगे, तो मैंने सोचा हम दोनों भी येलो पहनेंगे। मान लेनी चाहिए थी मुझे आस्था की बात, पहन लेना चाहिए था वो पीला कुर्ता। एक काम करता हूँ, वापिस जाके पहन ही लेता। टेक मी बैक होम जेसन। श्योर सर। ये देखो किस्मत का खेल, बाप बेटे दोनों को ही नहीं पता, इतने सालों बाद भी पिंड में अस्पताल बनाने का सपना दोनों ने मिलके ही पूरा किया, किसी एक ने नहीं। बोल चड्डे। मान, वो यार जो तूने गहने भेजे थे ना, मुझे उसके बारे में कुछ पूछना था तुझसे। हाँ पूछ। यार वो गहने वही थे जो चाची ने तुझे दिए थे? कैसी बातें कर रहा है यार, पक्का वही गहने हैं जो चाची ने खुद दिए थे स्टेशन पे आके? क्या हुआ, कुछ कोई दिक्कत है क्या? यार मैं तुझे कॉल बैक करता हूँ। ये अचानक चड्डा ने फोन करके गहनों के बारे में क्यों पूछा? चलो जी, अब लीव का पत्थर रखने की कार्यवाही हम शुरू करते हैं। भाई चड्डी आ गया तू, और मैं तेरा इंतजार कर रहा था। ओ भाई बधाई हो, मेरी बेटी रिया का रिश्ता वीर से तय हो गया है। ओ गले लग यार। मुबारक जी। ओए मुबारक तेनू चाचा तू। अच्छा सुन यार, वो गहने गल गए, पैसे लाया तू है? बताया मैंने चड्डे को? पूछो ना। ओ चुप क्या है, बोलना यार। ओ मैं आया राणे, बट गहने। मान मान मान, अस्पताल बनाने का सपना मेरा, पूरे पिंड का सपना आज पूरा होने जा रहा है। डैडी जी। हाय गुरुजी की मेहर से। मैं अस्पताल की नींव का पहला पत्थर रखने जा रहा हूं। yeah!
डैडी जी, थैंक्स वीर एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम्हारे और शिया के रिश्ते के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। वाहेगुरु जी तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। तुम्हारी एंगेजमेंट और शादी में मैं होंगी नहीं, इसीलिए पहले ही बधाई दे रही हूँ। हाउ नाइस ना, जिसको जो चाहिए था मिल गया। ग्रैंडपा को जमीन, राणा अंकल को उनके गहने और रिया को तुम। तुम किसने तुम्हें दिखाया ये? किसके साथ टच में हो तुम पिंड में? ये तुम्हारे कॉल लॉग में ये लास्ट अमो का नंबर कैसे है? और ये फोन के थ्रू लाइव फीड टीवी पे डैडी जी, मेरे को समझ में नहीं आया ये अमो का क्या कनेक्शन है इससे, मुझे बताओ आस्था। करिए पापा जी, मेरी पोती को रोकने के लिए कोई चमत्कार कर दो। ओ चड्डी यार, पैसे दे दे यार। भाई साहब, राणा कब से आपके आगे पीछे घूम रहा है? आप पैसे क्यों नहीं देते वो जो गहनों से मिले? ₹200? ओ चड्डी यार, तू मजाक मत कर यार। भाई साहब, ये सीरियस मैटर है, इस वक्त मजाक ठीक नहीं है ना। मजाक तो आपके साथ हुआ प्रजाई जी, गहने ही नकली थे। ओए फिर से तो के बाहर निकला ये। राणा मामा, क्या क्या हुआ? पापा देख, नफरत करता हूँ मैं इससे। रुकिए, राणे, ओए, ओए राणे, ओए, ओए, ये क्या कर रहा तू भाई? ओए, और रुक, क्या कर रहा तू ये? राणे, क्या कर रहा तू? शुक्र है डैडी जी, आज ये खुद मेरे सामने नहीं है, नहीं तो इसकी भी ऐसी हालत हो जानी थी। नफरत करता हूँ मैं इससे। क्या हुआ? ओ होया की? गहने डैडी जी। गहने? गहने जो इसने भेजे है ना, नकली है वो। ओ इस्तेमाल कर लिए इसने वो गहने अमेरिका में, और पता है इल्जाम किस पर लगाया? चाची पर, मेरी चाची पर, आपकी मम्मी जी पर। चाची ऐसा क्यों करेगी? झूठा है ये। इतना नीचे गिर गया वो, मेरी माँ पर इल्जाम लगाया उसने। ओ वाहे गुरु, सच बादशाह, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई मेरी माँ पे इल्जाम लगाने के? धोखेबाज,
मेरी माँ के गहने बेच के नकली गहने यहाँ भेज दिए इस नाशुकरे ने, सोते ने, मकार ने। नासरदार जी, नाने नागर। उन्हें लगता है कि मैंने उन्हें धोखा दिया, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा होता है बड़ा भाई, भाई नहीं, गाली है ये, गाली, बार भाई साहब, गाली है। बस, बस, बस कीजिए प्लीज। ये सब ये बातें, ये ताने, ये गालियां आपकी, ये नफरत आपकी, थक गई हूं मैं सुन सुन के। जब देखो जिसको देखो बस एक ही आदमी को दोषी ठहराता है। मान ने ये किया, मान ने वो किया, मान धोखेबाज है, मान गद्दार है, मान झूठा है। हर छोटी बड़ी चीज के लिए मान जिम्मेदार है, फिर चाहे वो घर की बात हो या पिंड की, कहने की बात हो या फिर अस्पताल की। जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ मैं, गलती चाहे किसी की भी हो, आप लोग दोषी सिर्फ एक इंसान को ठहराते हैं और वो है मान। एक मिनट है, अमृता पुत्र तू इतना क्यों बोल रही है? तुझे क्या लेना देना इन सब बातों से हैं? तुझे क्यों तकलीफ हो रही है मान का नाम सुन के, उसकी बातें सुन के? क्योंकि मैं उसी मान की बेटी हूं। जिसे आप अभी गालियां दे रहे थे, अमृता मनदीप सिंह ब्रांड नाम है मेरा। कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, अम्मू का क्या लेना देना इस सब से? वो कहां मिली डैडी जी से और क्यों? होशियारपुर में तुम्हारे घर पर। इस वक्त वो इंडिया में है। इंडिया, होशियारपुर, मेरे घर में डैडी जी के साथ। डैड से कैसे कहूं कि मैं इंडिया जा रही हूं? मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं तुझे कहीं भी भेज सकता हूं, लेकिन इंडिया नहीं। नो 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 अंकल, आपने कुछ गलत सुना है। इंडोनेशिया। आधा सच जो आधा सच है भी सच, नानक होसी भी सच। अमू तो इंडोनेशिया में ही है ना? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे तो इंडिया में है। इंडिया नहीं डैड, इंडोनेशिया। अमृता की ए टिकट की कॉपी मिल सकती है क्या? तुम्हें अचानक उसकी जरूरत कैसे पड़ गई? आई हैव अ वियर्ड फीलिंग कि अमृता इंडिया में है। तो मतलब झूठ बोला उसने, झूठ बोला अपने डैड से अमू ने। नहीं मान, मान जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। ये समूह को गलत मत समझना, हमारी बेटी तो अपनी थीसिस। मतलब तुम्हें पता था, तुमने भी छुपाया मुझसे, झूठ बोला मुझसे, तुमने आस्था, जिसने आज तक मुझसे एक भी बात नहीं छुपाई,
इतने सालों का भरोसा एक झटके में तोड़ दिया, क्यों? जी, आपने जो कुछ भी कहा मेरे सब महसूस किया, अपने सर पे आपका हाथ, अपने माथे पे आपका प्यार, थैंक यू बीजी, थैंक यू। और कोई चाहे कुछ भी कहे, हाँ, हमेशा मेरी बीजी रहेंगी। और मैं अपनी बीजी की आंखों में आंसू नहीं देख सकती, इसलिए प्लीज स्माइल। अच्छा डॉय, चाहते चाहते थैंक यू तो बोल दीजिए मेरे डैड को। ये जमीन और वो यहाँ के टॉप डॉक्टर्स का रिकमेंडेशन उन्होंने ही दिलवाया है। चाहिए मुझे तेरे बाप के डॉक्टरों वाली सिफारिश, क्योंकि इन कागजों पर तेरे बाप के हाथों की छाप है। मैं बनाऊंगा अस्पताल, अपने बलबूते पर बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा। और तू उस नाशुकरे का खून है, तुझे मैं अपने आप इस पिंड की जमीन के बाहर छोड़ कर आऊंगा। चल, जा सकती हूँ। थैंक यू। अमृता, जा संजोत, बंद कर ये स्यापा पाना। एक तो गलती की, ऊपर से रोना तोना कर रही है। रखा कैसे तूने उसको मेरे घर में? मेरे घर में? आपका अकेले का घर है, और आपको घर में बता देती तो आप रहने देते उसका हमारे घर में? तो मैं रोकने वाला। मेरी सुनी होती तो मैं कहता था कि रुक जाओ, मैं सब हैंडल कर लूंगा। फिर तुमने तो जाने का फैसला कर लिया बिना मुझे कुछ बोलने का मौका दिए।
पर प्लीज विजय को ऐसे छोड़कर मत जाओ। उन्हें अच्छे से गले लगा के छप्पी पा के ठीक से बाय बोल कर जाओ अगर जाना है तो, वरना वो फिर अगले 25 सालों तक ऐसे ही रोती रहेगी। नहीं वीर, मैं चाह के भी नहीं रुक सकती। वीर! और मैं तुम्हें चाहकर भी नहीं जाने दे सकता। अच्छा हुआ चली गई, नहीं तो हमें पिंड छोड़ के जाना पड़ता। शुक्र है कही। नहीं पुत्र, चंगा नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ। घर की बेटी को पूरे पिंड के सामने उसके दादे ने हाथ पकड़ के अपनी जिंदगी से बाहर किया। अफसोस की बात है, शुक्र करने की बात नहीं। ये उसका कारण नहीं है समझौता। ठीक कहा सरदार जी, ना ये उसका कारण और ना मेरा। जिनका है वो रहे खुशी खुशी। अगर अमृता यहां नहीं तो मैं भी नहीं रहूंगी। क्या बोली थी तू अभी? घर छोड़ के जाएगी तू? अपने पति को छोड़ के जाएगी तू? जी हाँ, मैं जाऊंगी। जा निकल। अभी क्या भी निकल। आपकी हर बात मैंने अपने माथे पे रखी, ये भी सही। रुक के जाओ ना, क्यों जा रहे हो आप? नहीं रानी, मैं आज नहीं रुकूंगी। ये हमेशा ही ऐसे करते हैं, कसम दे के रोकने की कोशिश करते हैं। वादा लिया था मुझसे इन्होंने कि मैं कभी अपने बेटे का मुंह नहीं देखूंगी। रब दी सौ, मैंने कभी नहीं देखा उसे। लेकिन अमृता, वो तो उसकी बेटी है, वो किसी की दुश्मन कैसे होगी? ये दुश्मनी ना सही, कोई रिश्ता भी नहीं है। आप उसके लिए सारे रिश्ते छोड़ के जा रहे हो? क्यों दे रहे हो आप उसका साथ, जिसने आपके छोटे बेटे की जिंदगी दूसरी बार बर्बाद की है? नकली गहने भेजे हैं, वो मेरे सारे सपने तोड़ दिए उसके बाप ने। अरे अपने भरा के लिए ऐसी बातें मुंह से ना निकाल, चुप कर जा, पटे का लिहाज कर। वो मान ने तो, मुझे पता है बीजी क्या कहोगे आप, कि मान का इसमें कोई कसूर नहीं है। एक बार बीजी, एक बार अपने इस छोटे बेटे का भी साथ दे के देखो ना बीजी, भूल जाओ ना उस मान को। बड़ी मेहरबानी की जो तूने मेरी गलत फहमी दूर कर दी। एक पल को लगा था जैसे मुझे रोकने आया है, अपनी मां को उसके लिए। पर तू भी राना अपने लिए आया बस। माँ ने अपने मन की खरी, तेरे पहुंची ने अपने, उन्हें अपने अहम से प्यार है और तुझे गहने प्यारे। मेरे कभी नहीं सोची मुझे क्या चाहिए। अरे मुझे तो तुम तीनों चाहिए, वो भी एक साथ। मेरी एक बात समझने की कोशिश कर रानी, अगर मैं कल तुझसे नाराज हो जाऊं तो क्या मैं रिया से अपना मुंह मोड़ लूंगी? नहीं ना, तो अमृता भी तो मेरी पोती है रिया के जैसी। देख रानी, अमृता यहां कोई मकसद से नहीं आई, मैं गारंटी देती हूं। अपने माँ पे तो भरोसा है ना तुझे?
पुत्र, निम्रत को भी समझा, जो तेरे डैडी जी नहीं समझे तू भी समझने की कोशिश कर। ऐसे कैसे भेज दूं मैं अपनी पोती को वापस? पता नहीं फिर कभी जिंदगी में उससे मुलाकात भी होगी कि नहीं। अमृता रुक जा, अमृता रुक जा पुत्र। रुकिए, थर्टी सेकेंड्स और वेट कर लेती हूँ। ग्रैंडपा ने नहीं आने दिया होगा इस बार भी। तेरी पाजी, ये तो दिलप्रीत सिंह की घरवाली संजोत थी। यार दफा कर, गड्डी लेके निकलते हैं यहाँ से। इसने देख लिया तो फालतू का स्यापा हो जाना है। किसी को फोन करके देखता हूँ, इतनी देर हो गई अभी तक आई नहीं वापस। फोन तो घर पे ही है। बेटी अपना फोन भी घर पे छोड़ के गई है। बाऊजी, बाऊजी क्या हुआ? बाऊजी बीजी पता नहीं कहाँ है, अपना फोन भी घर पे छोड़ के गई है। कोई तो मदद करो।
Widen! बोर्डिंग पास ले लिया है मैम, बस अब कुछ ही घंटों में पहुंच जाऊंगी मैं। हेलो मॉम, मैं आपको थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ। ओके, हैव अ सेफ फ्लाइट। बाय मॉम। बोलो वीर। अमृता, अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो पीजे को भेज दो घर वापस। जी पीजे तो मेरे पास नहीं आई वीर। क्या पीजे नहीं है तुम्हारे साथ है? पर वो तो तुमसे मिलने के लिए निकली थी घर से तकरीबन 3 घंटे पहले। मुझे लगा था तुम्हें रुकने के लिए कन्विंस कर रही होंगे, इसीलिए इतना टाइम लग गया है। मुझे रुकने के लिए कोई कन्विंस नहीं कर सकता वीर। और रही बात बीजे की तो मैं काफी टाइम तक उनका वेट करती रही लेकिन वो नहीं आई। और मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा था तो मैं एयरपोर्ट आ गई। तो फिर बीजे फोन करके देखो ना वीर। अरे वो फोन अपना घर पे छोड़ के गई है, नहीं है उनके पास। 3 घंटे से बीजी नहीं आई एंड नोबडी बॉदर टू चेक। कैसे हो तुम लोग यार वीर? बीजी तुम्हारे पास नहीं है, घर पे नहीं है तो वो गई कहाँ? वीर अगर बीजी को कुछ भी हुआ ना तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। ढूंढो बीजी कहाँ है। पापा वो मिल जाएगी। कहाँ चली गई ये संजोत? May I have your attention please? Passengers traveling to flight UE 357 from Amritsar to New York, please start your boarding. कहाँ गई बीजी? कहाँ ढूंढने के उन्हें? बीजी मुझसे मिलने घर से निकली थी और अब वो मिल नहीं रही है। अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ तो क्या करूं? कैसे बश्तार में लाकर खड़ा कर दिया आपने वाहे गुरु जी। मेरे देखा इनको कहीं? ओ पवन, तेरे को ढूंढ रहा था मैं। बीजी को देखा कहीं? नहीं जी, क्यों हो गया? यार बीजी नहीं मिल रही, मैं बाजार में जाकर देखो। ओ सुरेखा भाभी। आशा मासी आपने देखा बीजी को? अगर आपको दिखे ना तो मुझे फोन कर देना। आप गुरुद्वारे सारे गोल्डिंग थे, आपने बीजी को देखा वहां बैठे हो? रिया भाऊजी, राणा अंकल, निम्रत आंटी, कुछ पता चला रिया तुझे? नहीं, मैंने परम आंटी के घर जाके भी पूछा था, वहां पे भी नहीं है। क्या हुआ भाई? कुछ हुआ? नहीं भाऊजी। ओ हम सब एक ही जगह पे देखते जा रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं होने वाला और सबको अलग अलग जाके देखना होगा। तू 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 खेतों की तरफ जा वीर, तू तू नहर की साइड जा और तू गुरुद्वारे जा। और रिया तू ना बस स्टैंड क्यों जाएगी वो? नहीं तू फिर भी बस स्टैंड देख के आ जा। और सुनो सुनो सुनो, जिसको भी पहले पता चलेगा ना वो सबसे पहले मुझे फोन करेगा। ठीक है बाबूजी, दौड़ के जाओ। ला दे दे माचिस लाइटर जो भी है थे, स्यापा मुका है इसका। अब हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि चाची जी की टक्कर हमारी गाड़ी से हुई है। ये तो पीछे के दुपट्टे का कपड़ा है, आज ये तो पहना था पीछे ने, ये इसके पास क्या कर? मेरी बीजी कहाँ है? मेरी बीजी कहाँ है? क्या किया तुम लोगों ने मेरी बीजी के साथ? बता क्या किया मेरी बीजी के साथ? बता कहाँ है मेरी बीजी? बता कहाँ है मेरी बीजी? इस लड़की की हिम्मत की दाद देनी होगी पाजी, हमेशा लड़ने अकेले ही आती है। वो अंग्रेजन कुड़ी है तू, कभी बंदूक चलाई भी है? हैं? और भारी चीज है, रख दे, कंधे दुखने लग जाएंगे तेरे। रख। अमेरिका वालों के हाथों में डॉलर अच्छे लगते हैं, डॉलर बंदूक नहीं। क्यों पाजी? तो क्या हुआ? वो तो मैं भरा रही, बता बीजी का है वरना।
वरना क्या? तेरे बाप ने तुझे शायद बताया नहीं कि खुशवंत अपने जमाने का सबसे तगड़ा पहलवान है। तुम मेट मत, गला घोट लूंगा तेरा। और तेरी हिम्मत कैसे हुई? खुशवंत जी कहाँ है बता? संजोत कहाँ है? संजोत, संजोत कहाँ? मोरम कहाँ है संजोत? पीर से पता है बीजी का है। मैंने इसके पास अभी अभी बीजी के दुपट्टे का टुकड़ा देखा है। ओए बोल कहाँ है? बोल नहीं तो मरेगा तू आज। कहाँ है संजोत? पाजी को छोड़ दो, पाजी को छोड़ दो प्लीज। आपकी बेबे शहर की तरफ जाने वाली सड़क के किनारे झाड़ियों में पड़ी हुई है। सुखे तेरी पड़ी क्यों तुम्हें? आपने बीजी को देखा है? नहीं। संजोत खून बहुत बह गया इसलिए थोड़ी कमजोरी आ गई है। वैसे मैंने उनको दवाइयां और इंजेक्शन दे दिए, बाकी आप अच्छे से उनको खिलाइए पिलाइए और सेवा कीजिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात, उन्हें खुश रखिए। इस बार कोई गड़बड़ हुई ना, या टिकट पे लिखे टाइम पे तू यहां नहीं पहुंची तो हमारी अगली मुलाकात वहीं होगी, होशियारपुर में। कैसी है तू संजोत? ठीक है ना? तू डरा ही दिया था तूने मुझे। अब नहीं करना कभी ऐसा। देख तुझे जो चाहिए ना वो ही करूंगा मैं। किस बात में खुशी मिलेगी तुझे? अब वही होगा इस घर में, बोल। सच में कुछ करना चाहते हो तो? हाँ बोल बोल। पोती को रोक लो, अमृता को रोक लो। कुछ दिन रहेगी यहाँ तो दिल को सुकून मिलेगा, उसको देखने के वास्ते। पता नहीं मैं सुनता रहूंगी क्या। ऐसी बातें ना कर, ऐसी बात ना कर, ऐसी बातें ना कर, चुप कर। तो फिर रोक लो मृता को। I'm sorry बीजी, आपसे मिले बिना जा रही हूँ, क्योंकि मैंने मेरे डैड को प्रॉमिस किया है कि मैं फ्लाइट बोर्ड करके उनके पास पहुंच जाऊंगी न्यूयॉर्क। आपका ख्याल रखने के लिए यहाँ आपका पूरा परिवार है, लेकिन मेरे डैड और मॉम वहाँ अकेले हैं और मेरा इंतजार कर रहे हैं। रुक जा लड़की।
नहीं जा सकती। तेरी बीजी के ठीक होने तक यहीं रहना होगा तुझे। डैडी जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं नहीं, संजोत चाहती है ये। पर बीजी तो होश में ही नहीं है, दवाइयों के नशे में सुदपुत को के कुछ भी कह रही है वो। नशे में कह रही है या होश में, वो जो भी कह रही है उसको पूरा करना मेरा फर्ज है। जी। ओ कुड़िये, जिस बीजी ने तेरा इतना साथ दिया, तुझे इतना प्यार किया, तेरे लिए इतना कुछ किया, आज जब वो बिस्तर पर अंदर बेहोश पड़ी है तो उसके लिए रुकेगी नहीं? एहसान। बस आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, पीछे के लिए रुक जाओ। ये कहा आपने, इतना काफी है मेरे लिए, उससे बड़ा और कोई कारण नहीं हो सकता मेरा यहां रुकने का। पीछे के लिए जान भी हाजिर है। आप और ग्रैंडपा बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों बिना बात सुने ही एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं बस। Do you really wanna know कि मेरा यहाँ पिंड में रुकने का असली रीजन क्या है? क्या है? पीजी का एक्सीडेंट। What? जी। क्या क्या कह रही है तू? कैसे? पीजी ठीक तो है ना? वो अभी ठीक है और वो चाहती है कि मैं यहाँ उनके साथ कुछ दिन और रुकूं। पर मैं रुक रही हूँ डैड, बिकॉज मैं उन्हें किसी भी बात के लिए मना नहीं कर सकती। पीछे ने आज तक कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगा है, आज पहली बार उन्होंने मुझसे कुछ मांगा है। इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि जब बीजी ठीक हो जाएंगी मैं उसके बाद ही वापस आऊंगी। एंड प्लीज डैड, आपको इसके लिए मुझे रिमाइंड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक बेटे का फादर है अपने डैड से। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम थोड़े थोड़े इनके जैसे दिखते हो। अमु, कैमरा नीचे कर। कैमरा पीछे के पैरों पर है, पैरी पौना कर लो। बस कुछ ही दिन के बाद है डैड, बस एक बार पीछे ठीक हो जाए मैं वापस आ जाऊंगी। You don't have to worry. ये अपना ही घर है, किसी दुश्मन का नहीं। इसीलिए बस पीछे की खातिर यहाँ रुकी हूँ। I hope आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रह ले। पर वहां किसी ने अगर तुझसे कुछ कहा या तुझे खरोंच भी आई ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ओके, यहाँ सब अपने ही है डैड,
के लिए रिलैक्स एंड आई मिस यू बोथ. सी यू सून. मान For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.